Assalamu alaikum dear students hope you all are fine now we are moving towards our lecture number two of explanation of question and answers of chapter number 18 electronics now let's start with the question answers what is rectification define rectifier and its type a bit is definitely agar जो रेटिफायर होता है वो डिवाइस होता है विच कन्वर्ट ए सी करंट इनटू डी सी करंट यानी ऑल्टरनेट करंट्स कन्वर्ट कर दिया जाए डायरेक्ट करंट से तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रेटिफायर कहलाता है और जो वो जो प्रोसेस है कि कन्वर्टिंग ऑल्टरनेट करंट इंटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेटिफिकेसन ठीक है तो वो प्रोसेस जिसमें ऑल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट कन्वर्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं रेटिफिकेशन कहते हैं और वो डिवा डिवाइस जो है वो रेटिफायर कहलाता है ठीक है ना बेटा तो रेटिफायर जो है टू टाइप्स के होते हैं एक होता है हाफ वेव और एक होता है फुल वेव ठीक बेटा हाफ वेव रेटिफायर वो होता है जिसमें जो जो करंट जो uh, मतलब जो एसी करंट है वो ना कन्वर्ट हो रहा होता है पूरे जो है उसमें क्या नाम है पूरा एक साइकिल में होता है डीसी करंट में हाफ़ साइकिल ऑफ एसी इनपुट इनटू डीसी आउटपुट यानी आप इनपुट में एसी सी uh, मतलब करंट दे रहे होते हैं और आउटपुट में आपको क्या मिल रहा होता है डीसी आउटपुट एंड डू नॉट कंडक्ट द अदर हाफ़ यानी आधा ए सी करंट यूज होता है और आधा जो है साइकिल ए सी करंट का नहीं होता है ए सी उन पर का तो इसको हम हाफ वेव रेटिफाई करते हैं बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ए सी यानी ऑल्टरनेट करंट क्या होता है और डी सी यानी डायरेक्ट करंट क्या होता है तो भाई है ए सी वो करंट है जिसमें रिवर्स डायरेक्शन हो सेवरल टाइम यानी पर सेकेंड आ करंट विच ऑल्टरनेट्स और रिवर्स इट्स डायरेक्शन सेवरल टाइम पर सेकेंड इसल्टरनेट करंट एंड इट इज डिनोटेड बाय एसी ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए अभी हमें इसकी आ, आ, मतलब ज़्यादा तफसील में नहीं जाना एसी करंट क्या होता है बेटा कि जो अपने आप को बार बार रिवर्स करे अपनी डायरेक्शन को सेवरल टाइम रिवर्स करे पर सेकेंड दैन इट इज़ नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट और डी सी वो करंट होता है जो अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे डायरेक्ट रहे इन द सर्किट विद टाइम इस कॉल डायरेक्ट करेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय डी सी ठीक है ना बेटा तो वो डिवाइस जो ए को कन्वर्ट करे डी में उसको हम क्या कहेंगे रेटिफाई करेंगे वो प्रोसेस रेटिफिकेशन कहेगा इसी तरह दो टाइप्स होते हैं रेटिफाई की एक होती है जिसमें ए का जो इनपुट हम दे रहे हैं वो डिवाइस में जाए और हाफ उसका साइकिल जाए और वो कंडक्ट मतलब मतलब वो कन्वर्ट हो जाए डीसी में और डू नॉट कंडक्ट द अदर हाफ साइकिल ऑफ ए सी इनपुट इस कॉल हाफ एव रेटिफाइ और इसका जो करंट होगा बेटा डेफिनेटली पलसेटिंग होगा जैसे आपकी नर्व्स चलती है ना रिपल करती है तो ऐसा आउटपुट मिलेगा आपको यानी कभी आएगा करंट फिर थोड़ी देर बाद आएगा फिर थोड़ी देर बाद जैसे धक् धक् की तरह से आपकी रिपलिंग होती है पलसेट होती है आपकी जो आपकी जो इसको क्या कहते हैं जो पल्स आपकी पल्स पल्सेट होती है पल्सेज जो है तो उसी ड्रिपलिंग आपको करंट मिलता है अब इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पी एन जंक्शन डायोड एंड कंडक्ट ओनली हाफ साइकिल ऑफ ए सी इनपुट विद वैन इट इज़ ऑन फॉरवर्ड बायजिंग एंड डू नॉट कंडक्ट ऑन द अदर हाफ ऑफ द ए सी इनपुट जो आपका रिवर्स बायस कहलाएगा एंड गिव्स पल्सेटिंग और दी सी इनपुट ठीक है ना तो अब हम आते हैं फुल वेव रेटिफायर में फुल वेव रेटिफायर में यानी आपके जो दोनों हाफ साइकल्स हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ एसी जो है वो गिव कर मतलब वो ले लेगा एसी को कंडक्ट करेगा और आपको देगा एक स्मूथ डायरेक्ट करंट आउटपुट यानी बहुत मतलब फ्लो फ्लो करंट आप में आएगा कि आउटपुट जो मिलेगा आपकी डिवाइस को वो एसी जो है उस रेटिफायर में वो सर्किट में हाफ़ साइकिल पॉजिटिव होगा और हाफ साइकिल नेगेटिव इनपुट दोनों जो है लेकर आपको स्मूथ डीसी यानी डायरेक्ट करंट आउटपुट देगा तो उसको फुल वेव रेटिफायर कहते हैं ये डायग्राम है इसकी जो आपको बनानी होगी इसके बाद हम इसके बारे में पढ़ते हैं इट इस कंसिस्ट ऑफ टू पी एन जंक्शन डायोड इसमें दो पी एन जंक्शन डायोड जो है वो कंडक्ट करेंगे ऑल्टरनेटिंगली ऑन पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ ऑफ ए सी इनपुट एंड गिव्स स्मूथ करेंट उसमें रिपलिंग हो रहा था यानी पल्सेटिंग हो रहा था पल्स की तरह मूवमेंट हो रही थी रुक रुक के करंट हमें डीसी करंट मिल रहा था लेकिन इसमें क्या होगा हमें स्मूथ आउटपुट मिलेगा इसके बाद हम आते हैं बेटा क्वेश्चन जो है डिफाइंड ट्रांजिस्टर एंड इट्स टाइप अब ट्रांजिस्टर क्या होता है बेटा वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैविंग थ्री इलेक्ट्रोड्स जिनके तीन इलेक्ट्रोड्स होते हैं लाइक मीटर बेस कलेक्टर एंड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफरिंग रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर तो अब ये बोलते हैं कि ये जो ट्रांजिस्टर है वो जो है ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्री इलेक्ट्रोड्स होते हैं एक कहलाता है इमीटर इमिट करना बेस जो एक बेस है और कलेक्टर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो रहे हैं इमिट हो रहे हैं बाहर निकलना कलेक्टर कलेक्ट करना और बेस जो जिस जहाँ पर जो बेसिक जो आपका एलिमेंट है ठीक है तो अब डेफिनेटली प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफरिंग रेजिस्टेंस तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेजिस्टेंस तो बेटा ये जो रेजिस्टेंस होता है इट इज द मेजर ऑफ द अपोजिशन टू करंट फ्लो सॉरी रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द अपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ठीक है विच सिंपल uh, वर्ड्स में आप करोगे uh, तो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगा ठीक है यानी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसके थ्री इलेक्ट्रोज हैं और वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफरिंग रेजिस्टेंस यानी फ्लो ऑफ करंट को जो अपोज करे तो हम क्या कहेंगे उसको ट्रांजिस्टर कहेंगे तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर एक पी एंड पी ट्रांजिस्टर होता है और दूसरा ट्रांजिस्टर एन पी एन कहलाता है तो फर्स्टली पी एन पी ट्रांजिस्टर इट इज़ डिफाइंड एज द ट्रांजिस्टर इन विच एन टाइप इज सैंडविचड बिटवीन पी एन एन टाइप एन वे एन टाइप इज बेस एंड पी टाइप इज एज ए मीटर एंड कलेक्टर इज कॉल पी एन पी ट्रांजिस्टर यानी देखो दो पी हैं और उनके दरमियान में जैसे आपका बर्गर होता है ना बर्गर के दरमियान में आप जो कबाब रखते हैं आप समझे दो बर्गर हैं और इनके दरमियान में जो आपने सैंडविच किया कबाब को तो कबाब एन टाइप है और जो दो बर्ग मतलब बर्गर बन है वो पी टाइप है तो वो पी पी एन पी है और अगर दो एन टाइप के दरमियान में एक जो बेस हो वो पी टाइप का हो तो यानी इमीटर और कलेक्टर एन टाइप हो और जो जो बेस हो जो बीच में हो वो पी टाइप हो तो वो एन पी एन ट्रांजिस्टर होगा ठीक सिंपल वर्ड्स में तो हम इसी तरीके से याद करवाते हैं तो जो द ट्रांजिस्टर इन विच एन टाइप इज सैंडविच बाय पी टाइप एंड एन टाइप इज़ बेस एंड पी टाइप आर ए मीटर एंड कलेक्टर दैन इट इज़ पी एन पी और एन पी एन में दो एन के दरमियान में एक पी टाइप का अगर बेस हो तो हम उसको एन पी एन कहते हैं पी एन पी जो है बेटा होल चार्ज और प्रोटॉन कैरियर होता है डेफिनेटली पी से हमेशा याद रखना प्रोटॉन करंट कैरियर, बट एन पी एन इलेक्ट्रॉन करंट कैरियर होता है है ना एन फॉर नेगेटिव सही ये जहन में रखना फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं पी एन पी पॉजिटिव इमीटर होता है एन कलेक्टर होता है और एन पी एन में नेगेटिव इमीटर एन कलेक्टर होगा डेफिनेटली वो प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन है अब सिंबल इसके आपको लर्न करने होंगे और डायग्राम ये चार या पांच डिफरेंसेस हैं ये डायग्राम इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है इसलिए आप लाजमी बनाएंगे ठीक है जो एरोज़ के मदद से आपको एनपीएन और पीएनपी को शो कर रहे हैं कि कहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और कहाँ से प्रोटॉन के लिए करंट फ्लो हो रहा है अब एडवांटेज क्या होता है राइट डाउन दी एडवांटेज ऑफ ट्रांजिस्टर देयर आर दीज आर द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ ट्रांजिस्टर सबसे पहली बात वो स्मॉल साइज का होता है और स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाई करता है ये एक लो करंट डिवाइस है इसमें बहुत कम करंट में काम हमारा मिल जाता है इसकी इसमें हीट जो है बहुत कम होती है और वेस्टेज जो है नहीं होती इसमें हीट की ठीक है बहुत कम अमाउंट हीट की यूज़ होती है और ये डेफिनेटली रूम टेम्परेचर पे काम करता है और ये एम्पलीफायर के तौर पे काम करता है अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि व्हाट इज डिफाइन द फॉलोइंग जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि मैं होल की डेफिनेशन ज़रूर आपको बताऊंगी जब पी टाइप सब्सटेंस यानी टेट्रावेल सब्सटेंस इज डू विद द ट्राईवेलन एलिमेंट एक अनऑक्यूपाइड स्पेस डिवेलप होती है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे शॉर्ट शॉर्टेज हो गई इलेक्ट्रॉन की है ना तो वहाँ पे जो फॉर्म हुआ वो क्या कहलाएगा होल कहलाएगा और दिस होल इज बिहेव लाइक अ पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन और दूसरी डेफिनेशन है अभी मैंने आपको ट्रांजिस्टर में बताई कि एम्पलीफायर एम्पलीफायर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है डेट इंक्रीज़ वोल्टेज करंट यानी वो इफ़ेक्ट जो है करंट का वोल्टेज का या पावर का पावर ऑफ सिग्नल का वो बढ़ा देता है और ये यूज़ होता है किसमें वायरलेस कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और रेडियो इक्विपमेंट वगैरह में हर तरह की इन तमाम चीज़ों में एम्प्लीफाइय के तौर पे ट्रांजिस्टर यूज़ होता है ताकि जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार उसमें जो चार्ज है या उसमें जो वोल्टेज है जो उसमें जो करंट है उसका इफ़ेक्ट बढ़ जाए ठीक एम्प्लीफाई हो जाए बढ़ जाना ठीक अब हम आते हैं बेटा डिफाइन टेली कम्युनिकेशन एंड सोर्सेस टेली कम्युनिकेशन हमें पहले पता होना चाहिए कि ये होता क्या है कि अगर हम वो प्रोसेस जिसमें मैसेज हम सेंड करें और इन्फॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो ये हम इसको क्या कहेंगे टेली कम्युनिकेट करना यानी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना बाय द हेल्प ऑफ एलेक्ट्रो वेव्स सही ये सोर्सेस क्या क्या हो सकती हैं भाई टेलीग्राफ़ी हो सकती है टेलीविजन हो सकता है रेडार हो सकता है टेलीफोन हो सकता है सेटेलाइट्स हो सकते हैं है, रेडियो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सोर्सेज ऑफ टेली में लाते हैं अब हम जो बेसिकली एट क्लास में पढ़ते हैं उसको हम उसमें हम रेडार को पढ़ते हैं बाकी सब को हम आ, मैट्रिक में पढ़ेंगे इन तो फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग एंड इट इज़ कंसिस्ट ऑफ एंटीना एरियल ट्रांसमीटर रिसीवर एंड मोनीटर इट इज़ अ वार वेपन ठीक आपको जैसे कि पता है कि रिडार का जो एब्रीविएशन है वो किस पर है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग ठीक और ये किस पे कंसिस्ट करता है एक एंटीना होता है आपने देखा होगा रेडार कैसा होता है कि एक एंटीना लगा हुआ है एरियल लगा हुआ है और एक ट्रांसमीटर लगा होता है कि जो ट्रांसमिट करता है और रिसीवर जो रिसीव करता है इन द बेस यानी जो आपका रूम है जहाँ पर आपने इसको सेट किया हुआ है और मॉनिटर और कंप्यूटर से आपने कनेक्ट किया हुआ है तो जो ये सबसे पहले इसका फंक्शन बेटा क्या होता है कि रेडार अपनी रेज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को सोर्स की तरफ फेंकता है जैसे ट्रांस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टकराती हैं उस सोर्स से वो रिटर्न बैक होती हैं रिफ्लेक्ट बैक होती हैं और वो एं, मतलब एं, एंटीना के ज़रिए वो रेज गई तो ट्रा, ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट हुई और फिर उसके बाद ये जो जब ये दोबारा रिटर्न रिफ़्लेक्ट बैक हुई तो वही जो है ट्रांस ट्रांसमीटर से वो रिसीवर में आई और रिसीवर से हमने क्या कनेक्ट अपने जो रूम में हम कनेक्ट करते हैं मॉनिटर तो उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी जो मतलब जो चीज़ है वो डिटेक्ट हुई है लाइक कभी कभार हमारे जो मॉनिटर पे बर्ड्स आते हैं हम इसको नेविगेशन के तौर पे भी यूज़ करते हैं एयर ट्रैफिकिंग के लिए यूज़ करते हैं वॉर वेपन के लिए कि भाई कहीं दुश्मन के आ, कोई जहाज़ वगैरह अगर डिटेक्ट करना हो चाहे वो आप उसमें भी कह सकते हैं बड़ी बड़ी शिप्स में यानी जो बहरी जहाज़ होते हैं उसमें भी रिडार लगाए जाते हैं ताकि समंदर में आपको अपनी रेंज का पता चल सके कि आपकी मुल्क की रेंज कहाँ पे ख़त्म हो रही है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ वॉर वेपन यूज़ बाय मिलिट्री सेकेंड पॉइंट आप इसको एयर ट्रैफिकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं यानी कंट्रोल करना जो जहाज़ हमारे जो एरोप्लेन्स जो हमारे कंट्रोल टावर में बहुत सारे रेडार्स लगे हुए थे ताकि हमें पता चल सके कि ये एरोप्लेन आता है आ रहा है नहीं तो क्या होगा कि अगर हमारी एयर ट्रैफिकिंग सही नहीं होगी हमारा रेडार सही नहीं होता तो हमारे यहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाए इट इज़ यूज़ बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी जो मौसम का हाल बताते हैं वो उन वो वाले डिपार्टमेंट भी यूज़ करते हैं और ये और ये जो डेफिनेटली रिडार हमें बताता है कि कब तूफान आने वाला है और कब कहीं पे भी दुनिया में डिज़ास्टर्स आ सकते हैं इसके बाद जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन विच इज़ मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन क्या होता है बेटा अगर जब रेडियो ट्रांसमिशन हो रही होती है रेडियो वेव्स की ट्रांसमिशन हो रही होती है तो साउंड वेव्स आर कन्वर्टेड इन टू वेव्स तो ये दरअसल रेडियो में इस्तेमाल होती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट हो जाना साउंड वेव को मॉड्यूलेशन कहते हैं और वो जो डिवाइस होता है वो मॉड्यूलेटर कहलाता है ठीक है जब साउंड वेव कन्वर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो ये मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेशन कहलाता है और प्रोसेस पर्पज़ क्या होता है या वो डिवाइस क्या होता है वो मॉड्यूलेटर होता है डी जब यही रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सिंपल साउंड वेव में कन्वर्ट कर दी जाए तो वो डी मॉड्यूलेशन हो जाएगा और डिवाइस क्या कहलाएगा डी मॉड्यूलेटर सो दैट्स द एंड ऑफ माई सेकेंड लेक्चर गुड लक बेटर